नमस्कार, मेरा नाम दिलावर सिंह वाघेला है और आज हम बात करने जा रहे हैं अनुभव सिद्ध योग। आगे हमने 1 से लेकर 33 तक अनुभव सिद्ध योग देखे। अब हम देखेंगे योग नंबर 34, 34वां। पंचम भाव में कर्क राशि का मंगल संतान की ओर से प्रश्न देता है, यानी अगर पंचम भाव में मंगल है और वो भी कर्क राशि का, तो ऐसे जातक को अपनी संतान की तरफ से प्रश्न रहते हैं। इसको हम लॉजिकली देखें तो पंचम भाव में स्थित मंगल चतुर्थ दृष्टि से अष्टम भाव और अष्टम दृष्टि से 12वें भाव को देखेगा। अष्टम भाव है हर्डल्स, तकलीफ है। 12वां भाव है खर्च। तो ये कुछ ऐसी बाबतें संतान के साथ जुड़ी हुई रहेगी। मेडिकल प्रॉब्लम्स, हेल्थ को लेके प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। मकर लग्न के जातक मुत्सद्दी होते हैं और वो हर बात में अपना खुद के विचार यानी अपने बारे में सर्वप्रथम सोचते हैं, बाद में वो दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो देखिए, मकर लग्न मुत्सद्दी इसलिए क्योंकि उसका जो मालिक है वो शनि है। शनि पॉलिटिक्स का कारक है। शनि का लग्न हो उसमें भी मकर लग्न, तो ऐसे जातक जो भी चाहते वो है वो लेके रहते हैं। और पृथ्वी तत्व का लग्न है मकर लग्न, तो पृथ्वी तत्व की वजह से सेल्फ सेंट्राइज यानी हर बात में खुद के बारे में सर्वप्रथम सोचना, ये उनकी एक अपनी सोच होती है। यानी वो हर बात में पहले अपने बारे में सोचेंगे, बाद में दूसरों के बारे में। 36वां योग है अगर चंद्रमा से शनि महाराज सप्तम भाव में स्थित है, तो ऐसे जातक का लग्न, लग्न जीवन, दाम्पत्य जीवन, मैरिड लाइफ, उसकी पत्नी के स्वभाव के वजह से डिस्टर्ब रहेगी। उसकी पत्नी के स्वभाव की वजह से उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। चंद्र और शनि का यहाँ ऑपोजिशन बताया गया है। शनि सप्तम भाव में चंद्र से, यानी चंद्र कुंडली में सप्तम भाव, वो भी दाम्पत्य जीवन का मालिक है, कारक है। और चंद्र कुंडली जो स्त्री के लिए ज्यादा सपोर्टिंग है, तो उसमें शनि महाराज ऐसे इस तरह से आने से स्त्री की तरफ से जातक को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे और मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। अगर तुला राशि का मंगल लग्न भाव में होगा, तो ऐसा कहा जाता है कि उसकी वजह से मैरिड लाइफ लेट हो सकती है, मैरिज लेट हो सकते हैं और मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। और साथ में मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम हो रहे हैं उसका कारण, उसका मुख्य मुख्य कारण होगा ऐसे जातक का, जातक के अन्य लोगों के साथ प्रेम प्रसंग। इसको थोड़ा गौर से सोचे। तुला राशि का मंगल अगर लग्न में है, या ऐसा देखा गया है कोई भी लग्न हो अगर तुला का मंगल है, तो इनकी कुंडली में प्रेम होने के योग बढ़ जाते हैं, यानी लव अफेयर्स के पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और मंगल शुक्र के घर में गया तुला राशि और चर चर राशि है, तो एक से ज्यादा अफेयर्स हो सकते हैं और इसकी वजह से कई बार जातक मैरिज डिले करता जाता है कि बाद में करूँगा, बाद में करूँगा। और अगर ऐसे ऐसे जातक की अगर शादी हो भी गई है, तो भी उनके जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये भी हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि तुला का मंगल जातक के लग्न का योग जो है वो लोट लेट करवाता है और साथ में प्रेम प्रसंग यानी प्रेम की भी एक पॉसिबिलिटी बनी रहती है। आगे है मिथुन लग्न वाले जातक जो होते हैं, उनको अपने पिता या पत्नी के साथ जो मन मेल होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो नहीं होती या कम होती है।
मिथुन लग्न वाले जातक को या तो पत्नी के साथ या पिता के साथ मन मुटाव रहेगा, जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो प्रॉपर नहीं होगी। इसका कारण लॉजिकली है, मिथुन लग्न का मालिक बुध और पत्नी जो सप्तम भाव से देखी जाती है उसका मालिक गुरु। बुध और गुरु वैसे शत्रु है दोनों बुद्धिमान ज्ञानी, लेकिन उनके बीच बुद्धि और ज्ञान का एक संघर्ष बना रहता है। उसी तरह से कर्म भाव जो कि पिता का है, उसका मालिक यहाँ पे मीन राशि आई, उसका मालिक भी गुरु और लग्न यानी जातक खुद, तो यहाँ पे भी बुध और गुरु का थोड़ा संघर्ष हुआ। तो मिथुन लग्न वाले जातक को या तो पत्नी या पिता के साथ थोड़ा मन में कम रहता है, ये योग कहना चाहता है। आगे 39, द्वितीय भाव में स्थित राहु खूब खर्च करवाता है और कुटुंब में प्रॉब्लम या कुटुंब क्लेश करवाता है। राहु जो कि छल कपट का कारक है, पाप ग्रह है, नेगेटिव प्लैनेट्स है, अगर वो द्वितीय भाव में आया तो द्वितीय भाव है हमारी सेविंग्स, तो द्वितीय भाव में राहु आने की वजह से जो सेविंग्स होनी चाहिए वो नहीं होगी। और 42 इयर्स तक, क्योंकि राहु की उम्र है, राहु के वर्ष है 42, तो 42 की उम्र तक जातक की जितना सेविंग्स होनी चाहिए नहीं होगी। अगर सेविंग्स हो भी रही है तो वो मृग जल जैसी होगी, यानी दिखाई देगी लेकिन मिलेगी नहीं, तो ये एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। द्वितीय भाव में जब राहु आता है तो इंसान को सडनली ऐसा खर्च आ जाता है लाइफ में जिसकी वजह से उसकी सेविंग्स खत्म हो जाती है, तो ये एक बात है। और दूसरी बात, द्वितीय भाव जो है कुटुंब का है, फैमिली का है, राहु सेपरेटिव प्लैनेट है, कंफ्यूजन का कारक है, तो राहु जब द्वितीय भाव में आता है तो कुटुंब में कुछ ना कुछ तकलीफ है, मन मोटाव, झगड़े, ये सब देता है, तो उसकी वजह से कुटुंब का सुख जो जातक को मिलना चाहिए वो द्वितीय भाव में राहु आने से नहीं मिलेगा। आगे छठे भाव में अगर गुरु महाराज है तो जातक को नौकरी यानी कि जॉब अच्छी मिलेगी, लेकिन अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उसमें ज्यादा मेहनत करने पे जो आय होगी, इनकम होगी, वो कम होगी। देखिए, गुरु जो है वो नसीब का कारक है, लक है। छठे भाव में गुरु आने की वजह से लक जो है वो छठे भाव में गया, गुरु के आशीर्वाद छठे भाव में गए, तो छठा भाव जो है वो है जॉब, नौकरी का। तो ऐसे जातक को जॉब तो अच्छी मिलेगी, लेकिन अगर ऐसे जातक बिजनेस करना चाहते हैं जिनकी कुंडली में छठे भाव में गुरु है, तो वो जितने मेहनत कर रहे हैं उससे इनकम कम होगी, क्योंकि छठे भाव में स्थित गुरु कर्म भाव पे दृष्टि करेगा, बारहवें भाव पे दृष्टि करेगा, द्वितीय भाव पे दृष्टि करेगा। तो देखिए, कर्म भाव पे दृष्टि की वजह से जातक बिजनेस कर सकता है, द्वितीय भाव की दृष्टि की वजह से जातक को इनकम हो सकती है, लेकिन बारहवें भाव में उसकी दृष्टि जो गई यानी आपका लक जो है वो खाड़े के स्थान में व्यय भाव में गया, और खुद गुरु भी छठे भाव में है, तो बिजनेस के लिए गुरु यहाँ पे थोड़े निर्बल हो रहे हैं। तो ऐसे जातक को बिजनेस में जो इनकम होगी उससे उनको जो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए वो नहीं होगा, उनको ऐसा ही लगेगा कि औरों की कंपेयर में मेरी जो इनकम है बिजनेस में वो कम है। तो ये भी आप योग चेक करिएगा। मैं यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये जो योग अनुभव सिद्ध योग है वो हमारे गुरुजी ने अपनी 30 साल की मेहनत, जो 30 साल की उनका सफर है अभी भी कंटिन्यू है, उसमें उन्होंने ये सब निकाले हैं शोध के। आप इस पे थोड़ा थिंकिंग करिएगा, इसको थोड़ा चेक करिएगा, सीधे ही अप्लाई मत करिएगा, पहले आप देखिएगा, क्योंकि ये जो योग है वो 60-70% आपको रिजल्ट 100% देंगे, 60-70%, लेकिन साथ में थोड़ा अगर कोई ग्रह की दृष्टि है ये योग कहाँ पे हो रहे हैं उससे थोड़ा इसमें
कम या ज़्यादा इसकी इफेक्ट जो है वो आ सकती है, तो ये बात आप प्लीज ध्यान में रखिएगा। दशम भाव में स्थित उच्च का गुरु जातक की प्रोग्रेस के लिए, प्रगति के लिए अच्छा माना गया है, लेकिन ऐसे जातक को अपने यानी पति या पत्नी के साथ या भागीदार के साथ, यानी अगर वो किसी के साथ मिलकर कोई बिजनेस कर रहा है तो उनके साथ मन मटवा हो सकता है, मन दुख के प्रसंग हो सकते हैं। साथ में हर 30 साल में जीवन में एक बार पड़ती, यानी कहने का मतलब डाउनफॉल, ऐसे जातक को आ सकता है। तो देखिए दशम भाव में उच्च का शनि जो कि शश नामक पंच महापुरुष राजयोग कर रहा है, तो दसवें भाव में शनि होगा तो इंसान की लाइफ में प्रोग्रेस धीरे धीरे देगा, लेकिन अच्छी देगा। दूसरी बात, अगर दसम भाव में शनि है तो चतुर्थ भाव में शनि एग्जैक्ट 15 साल के बाद आएगा और वापस दसम भाव में शनि एग्जैक्ट 30 साल के आजू बाजू आएगा। 45 साल की उम्र में वापस वो चतुर्थ भाव में आएगा, 60 साल की उम्र में वापस वो कर्म भाव में आएगा। तो गोचर का शनि जब जब शनि महाराज पे से प्रसार होगा, पर से या उनके सामने से प्रसार होगा, तब लाइफ में सडनली कुछ चेंजेस आएंगे, डाउनफॉल आ सकता है, ये कहने का मतलब है ये योग में। दसम भाव में शनि तुला का उच्च का यानी, वैसे भी और कोई भी राशि का शनि अगर दसम भाव में है तो जातक को अपनी 15 साल की उम्र, 30 साल की उम्र, 45 साल की उम्र, 60 साल की उम्र में डाउनफॉल आने की पॉसिबिलिटी रहती है, जो उनको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आगे है लग्न भाव में राहु जातक को राजा के जैसा स्वभाव देता है। अगर ये इंसान किसी पे न्योछावर हो जाता है तो उस पे सब कुछ उल्टा देता है, अगर वो उनसे नाराज हो जाता है तो उनसे सब कुछ ले लेता है। तो ये आप चेक करिएगा कि लग्न भाव में अगर राहु है तो इंसान का जो स्वभाव है वो राजा की तरह होगा, अगर किसी पे दिल आ गया तो सब कुछ लुटा देगा, नहीं आया तो उसके पास से सब कुछ ले लेगा, ये आप चेक करिएगा। 43 नंबर का योग है द्वितीय भाव में स्थित राहु जातक को पॉलिटिकल स्वभाव देता है, पॉलिटिशियन बनाता है, वो चीटिंग भी कर सकता है, साथ में वो अच्छी मार्केटिंग भी कर सकता है। देखिए द्वितीय भाव में अगर राहु है तो इंसान को पॉलिटिकल स्वभाव देगा, यानी यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ, कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि वो जो भी है अपनी तरफ कर लेगा, सब अपना फायदा कहाँ से है, किस तरह से है, उसके दिमाग में वही चलेगा। दूसरी बात कि द्वितीय भाव वाणी का है, स्पीच, द्वितीय भाव में अगर राहु है तो ऐसे इंसान चिटिंग कर सकते हैं और अपनी वाणी से लोगों को वो चीट करेंगे, लेकिन अगर ऐसे इंसान मार्केटिंग के फील्ड में है तो वो अपनी कंपनी को बहुत ही फायदा करवाएंगे, क्योंकि द्वितीय भाव में जब राहु होता है तो इंसान कुछ भी किसी भी तरह किसी भी इंसान को समझा देता है। ऐसा कह सकते हैं कि वो कश्मीर में जाके भी फ्रिज रेफ्रिजरेटर बेच सकता है, सहरा के रण में जाके भी वो वाटर हीटर बेच सकता है, यानी कहने का मतलब वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन चिटिंग भी कर सकता है वो। और आगे हमने देखा कि भाई उनकी जो सेविंग्स होनी चाहिए वो नहीं होगी, और साथ में पॉलिटिकल व्यू से हम देखें तो पॉलिटिक्स में आप जो करते हो उससे ज़्यादा क्या कहते हो उस पर पूरा लोग जो है हिप्नोटाइज हो गए। तो द्वितीय भाव में राहु वाले इंसान ऐसी स्पीच, ऐसी वाणी का प्रयोग करेंगे कि लोग ऐसा समझेंगे कि नहीं यार ये इंसान सही है। तो ऐसे लोग पॉलिटिक्स में हो
तो उनको फायदा मिलता है, लेकिन साथ में दूसरे भी ग्रह होने चाहिए, वरना ऐसे लोग का डाउनफॉल बिकता ही है। 44 नंबर का योग है तृतीय भाव में राहु अशांति असंतोष देता है, और इनके जो सिबलिंग्स यानी भाई बंधु भाई बहन जो होते हैं वो उन पे आधारित होते हैं। तृतीय भाव में राहु अशांति देता है, असंतोष देता है, और साथ में जिस जातक की कुंडली में तृतीय भाव में राहु है उनके भाई और बहन ऐसे जातक पे अवलंबित रहते हैं, यानी उनका जो भी है ऐसे जातक को संभालना पड़ता है, उनके खर्च, उनके बारे में, फ्यूचर के बारे में सोचना, शादी, कोई भी चीज। यानी तृतीय भाव में राहु है तो यह तय है कि ऐसे जातक को अपने साथ साथ अपने भाई बहन को साथ में लेके चलना पड़ सकता है, या भाई बहन ऐसा ही कहेंगे कि आप तू मेरे लिए कुछ कर, तू मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है ऐसा। और साथ में थोड़ा असंतोष भी मिलेगा क्योंकि तृतीय भाव में राहु आया तो नवम भाव में केतु गया, यानी भाग्य में सडनली अप एंड डाउन, तो उसकी वजह से थोड़ा असंतोष तो होना व्यापी है। तो यहाँ पर हम टोटल 1 से लेकर 44 जो योग है वो खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 45 से लेकर 55 55 55 तक के जो योग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आशा रखता हूँ कि ये जो योग मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन में आपको कहीं पे मददगार होंगे, और उससे आपको ऐसा है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आपको ये योग कहीं ना कहीं काम में आया, तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि मेरे गुरुजी की जो मेहनत है वो रंग लाई, और मैंने जो भी थोड़ी बहुत मेहनत की है आपके पास लाने की, तो मुझे भी आत्मसंतोष मिलेगा। धन्यवाद।